पिता जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखिया कुछ तो बुरा ना कोई। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, एनिमल का टीजर आ चुका है और क्या सॉलिड आया है भाई, मज़ा आ गया। मैं अपना बताऊं, मुझे बेस्ट एवर टीजर लगा 2023 में। जितने भी मैंने टीजर देखे, क्या सालार, क्या पठान, क्या जवान, या फिर कल जो हाल ही में रिलीज हुआ टाइगर 3, एनिमल का टीजर बेस्ट वन लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो राउडीनेस, रस्टीनेस, क्रुएलिटी वाली जो कॉम्बैट, सिंगल कॉम्बैट फाइट देखने को मिलेगी, गैंग वॉर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा हटके है। क्योंकि देखो, अभी तक स्पाई यूनिवर्स के ही एक्शन देखने को मिल रहे थे हमको, लाइक पठान में, जवान में, अब टाइगर 3 जो आने वाली है वो भी सेम कॉन्टेंट को, सेम कॉन्टेक्स्ट को फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पर एनिमल की जो कहानी होने वाली है बिल्कुल हटकर होने वाली है। सिंगल गैंग वॉर देखने को मिलेगा, कॉम्बैट सीन देखने को मिलेगा। एक जो बंदा है रणवीर कपूर, ये अमीर बाप की औलाद है, तो भैया इस पे कोई लिमिटेशंस थी नहीं, तो ये बचपन से जो लाइफ मिली है उसको विदाउट लिमिट, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसके साथ एट मोमेंट पर कि फिर इसको चेंज होना पड़ेगा। और जब ये चेंज होगा तो ये जो जानवर का जो टाइटल रखा गया है एनिमल, ये वाकई में ये वो प्रूव करके दिखाएगा और वो दिख भी रहा है। तो एक्शन के मामले में नंबर वन होने वाली है। दूसरा, कहानी इसकी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। हालांकि टीजर से इतना कुछ खास पता नहीं लग रहा है कि मूवी में आखिर एक्चुअल होने क्या वाला है, बट सिंपल सा एक ऊपर का फॉर्मेट ये दिखा दिया गया है कि यस, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है रणवीर कपूर के साथ कि अब वो यहाँ से चेंजेस करना चाहता है, खासकर अपने पिताजी के लिए, जो लेगेसी आगे बढ़ाना चाहता है, जो भी अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है, किससे, विलेन से। और विलेन के रूप में कौन है हमारे सामने, बॉबी देओल, जो लास्ट में दिखाया गया है। बॉबी देओल का बस जो छोटा सा ही स्क्रीन टाइम आया है, लेकिन यार बवाल कर दिया भाई साहब। एनिमल जो नाम रखा गया है ना इसका, सिर्फ हीरो ही एनिमल नहीं दिख रहा है, विलेन भी एनिमल वाला क्रुएलिटी को फॉलो करते हुए दिख रहा है, तो मज़ा तो आने वाला है। और ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बैलेंस होगा, बॉबी देओल एज नेगेटिव और रणवीर कपूर एज पॉजिटिव, जबरदस्त होने वाला है। उसके बाद हमें लव स्टोरी बहुत शानदार देखने को मिलने वाली है, गीतांजलि उर्फ हमारी रश्मिका मंदाना के साथ, जो शुरुआत से ही वो सिक्वल देखने को मिला और अमेजिंग लगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा, इस बंदे ने पहले ही हमें लव स्टोरी में एक ऐसा तड़कता भड़कता कंटेंट दे रखा था और वो चीज हमें इसमें भी देखने को मिलने वाली है, तो जबरदस्त देखने को मिलेगी। स्टोरी लाइन भी, लव स्टोरी का मोमेंट बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कंट्रोवर्सी जो चलेगी बाप बेटे के बीच में, जो अनबन वाली सीन, वो देखकर लग रहा है जो अनिल कपूर थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं किसको, रणबीर कपूर को, तो वहां से स्टार्टिंग में पहले तो उन दोनों के बीच में अनबन होगी, लेकिन बाद में ये लग रहा है कि एट मोमेंट रणबीर कपूर चेंज हो जाएगा और कुछ ना कुछ अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, या बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, या फिर एक नए रास्ते पे चले जाएगा जहां पर उसे डॉन का एरा फॉलो करना पड़ेगा। गैंग वॉर वाला जो सीन देखने को मिल रहा है, पीछे से उसके गैंग है। तो स्टोरी के मामले में एनिमल मूवी बिल्कुल मार नहीं खाएगी, स्टोरी के मामले में ये नंबर वन हिट करेगी बाय गॉड। इसके बाद एक्शन के मामले में भी जबरदस्त हिट करेगी। और जो फादर एंड सन का जो कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, इन दोनों की स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां पर रणबीर कपूर ऑलवेज फादर का लव पाने के लिए कुछ भी हद तक जाएगा या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश भी करेगा, बट यहां पर अनिल कपूर जो इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं वो हमेशा इसको डिनाई करेंगे, और ये जो पार्ट देखने को मिलेगा जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो यहां से रणबीर कपूर की अब होने वाली है सॉलिड कमबैक, क्योंकि मूवी ना बहुत ही जबरदस्त लग रही है। देखो, लोगों ने इंतजार भी बहुत किया था, मैं खुद पर्सनली बोलूं तो मैं एनिमल के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। एक बार के लिए कंटेंट के बेस पर अगर बोलूं ना, तो 2023 में जितनी भी ये मूवी आई है एक्शन सीन सिक्वल वाली, बाय गॉड इन सबको खा जाएगा एनिमल का कंटेंट कसम से। मतलब एक ही चीज में हमको लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है, बाप बेटे के बीच में कंट्रोवर्सी, मतलब फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है, एक्शन भी देखने को मिलने वाला है, और हाई गैंग वॉर होगा वो भी देखने को मिलने वाला है, सिंगल कॉम्बैट देखने को मिलने वाला है, और हैंड टू हैंड जो फाइट वाला जो काफी टाइम से नहीं चल रहा है वो देखने को मिलने वाला है दोबारा से। तो ये सारी चीज जब एक ही साथ हमको मिलेंगे तो भाई मजा तो आना ही आना है। और बाय गॉड संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार ये बोला था कि मैं इंडियन सिनेमा को एक्शन मासी मूवी की औकात बता दूंगा, और वो यस प्रूफ करते दिख रहे हैं। क्या एक्शन, क्या मासी, जो रस्टीनेस देखने को मिल रही है, क्रुएलिटी देखने को मिल रही है टीजर में,
अमेजिंग जबरदस्त देखने को मिल रही है बाई गॉड। दूसरा स्क्रीन प्ले जबरदस्त होने वाला है और क्या कहते हैं बीजीएम म्यूजिक तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, बीजीएम बहुत सॉलिड है, जबरदस्त है बिल्कुल बाई गॉड। अगर यहाँ पर ना अगर रणबीर कपूर की ओवरसीज में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो जाती या फिर होगी तो यहाँ मूवी ना 1000 करोड़ का बिजनेस करने से इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा में हिंदी बेल्ट में इंडिया में तो चलनी ही चलनी है। 500 करोड़ ये हिंदी से लेके आएगी, डेफिनेटली लेके आएगी, और अगर ओवरसीज से भी अच्छा कलेक्शन मिल गया तो इस मूवी को 1000 करोड़ टच करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से ये मूवी 700 से 600 करोड़ के बीच में ज़बरदस्त बिजनेस करके जाएगी, मिनिमम आंकड़ा लेते हैं अभी, लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है मूवी कितना बिजनेस करके जाने वाली है? और अभी तो ट्रेलर आना बाकी है, ट्रेलर में जो पता लगेगा, ट्रेलर में जो खुलासा होगा फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। टीजर में ही मेरा तो दिल लूट लिया भाई, और तुम्हारा लूटा नहीं लूटा वो तुम बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपको टीजर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और मूवी कितना बिजनेस कर सकती है ये भी बता के जाना। जवान, पठान, टाइगर 3 के सामने ये मूवी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी ये भी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।